नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ नगर निगम की बड़ी पहल, मरीज के तीमानदारों को मुहैया कराएगी फ्लैट, रोजाना 150 रुपए के किराए पर मिलेगा फ्लैट, ऑनलाइन और ऑफलाइन करना होगा पंजीकरण, औरंगाबाद जागीर गांव में बनाए गए हैं 40 प्लांट। तो नगर निगम की बड़ी पहल लखनऊ में उजागर हो रही है, जहां पर मरीज के दीवानदारों को 150 रुपए में फ्लैट मुहैया कराएगी, रोजाना 150 रुपए, ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण कराना होगा, औरंगाबाद जागीर गांव में 40 प्लांट तैयार किए गए हैं। तो मरीजों के तीमानदारों को मुहैया कराएगी 150 रुपए प्रतिदिन किराए पर फ्लैट। औरंगाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, औरंगाबाद के जागीर गांव में 40 फ्लैट रेडी कर दिए गए हैं। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिषेक मणि जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे आना चाहूंगी, किन मरीजों के तीमानदारों की यहाँ फिलहाल बात हो रही है जिन्हें ये 150 रुपए का किराए पर प्रतिदिन घर दिया जाएगा? बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे, ये जो भी मरीज पीजीआई और क्या कहते हैं राम मनोहर लोहिया और कोविड से लेकर तमाम बीमारियों को लेकर आते हैं, उनके लिए एक नई पहल की है नगर निगम ने, जिसमें 150 रुपए में क्या कहते हैं फ्लैट के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण होगा, जो बिजनौर क्रॉसिंग औरंगाबाद जागीर गांव के पास बताया जा रहा है, जिसमें की 40 फ्लैट बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, के मरीजों के तीमानदारों के लिए या कोविड पेशेंट्स के तीमानदारों के लिए स्पेशली ये रखा गया है? जी बिल्कुल, अभी देखिए कोई आधिकारिक ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि किसी विशेष बीमारी के मरीजों के लिए रखा गया। बाहर राजधानी से बाहर जैसे आने वाले तीमानदारों को बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, जिसको देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से 40 फ्लैट बनकर तैयार किए गए हैं। उसी क्रम में क्या कहते हैं राजधानी में एक नई पहल है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मरीजों के तीमानदारों के लिए ये जो फ्लैट है वो 150 रुपए के किराए पर प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएंगे, बड़ी खबर। वहीं अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर के लिए यूपी सरकार सतर्क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों पर होगी जांच, कोविड हेल्प डेस्क और पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर देने के आदेश, 27 जून से बच्चों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराएगी सरकार, निगरानी समिति हालात और व्यवस्था पर रखेगी नजर। तो जिस कदर लगातार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और तीसरी लहर में बच्चों के लिए अति घातक बताया हुआ, उसको देखते हुए तैयारियां दुरुस्त अभी से करनी शुरू कर दी गई है। कोविड हेल्प डेस्क और पुलिस पेट्रोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं 27 जून से बच्चों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की भी बात सामने आई है। तो ये तीसरी लहर के लिए यूपी सरकार पूरी तरह सतर्क है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशनों पर होगी जांच, वहीं बच्चों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराएगी सरकार, निगरानी समिति हालात और व्यवस्था पर निरंतर नजर बनाए रखेगी, बड़ी खबर। तीसरी लहर को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, तैयारियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। वही ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे आना चाहूंगी, तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है, कहा जा रहा है कि जल्द ही तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है, तो यूपी प्रशासन किस तरह से सतर्क है, सरकार के साथ किस तरह से साथगार बैठा के तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी आपको बता दूं, टीम 9 की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि तीसरी लहर को, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यूपी में सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पे एंटीजन टेस्ट के इंतजाम करने होंगे। जो भी यात्री बाहर से आता है उसको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही वो बाहर जा सकता होगा। कोविड हेल्प डेस्क हर जगह सभी ऑफिस में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में आपका कोविड हेल्प डेस्क रखने को बोला गया है। पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे भी कोविड हेल्प डेस्क रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही आप बता दें कि 27 जून से जिलों में बच्चों को
मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि क्योंकि बताया जा रहा था कि जो संभावित तीसरी लहर है उसमें बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो इसको देखते हुए बच्चों के लिए विशेष मेडिसिन किट का आयोजन किया गया है जो कि 27 जून से किया जाएगा। तो इस तरीके के जो इंतजाम है उस पर पूरी कड़ी नजर बनाई हुई है। टीम 9 की जो बैठक होती है कोविड को लेके, उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए। कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर तो सतर्क है, लेकिन इस समय के जो अनलॉक का प्रोसेस किया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, इसे भी दुरुस्त कराने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बाजार मार्केट खुल गए हैं लेकिन लोगों के अंदर वो भय का माहौल खत्म होता जा रहा है। निश्चित तौर से देखिए, सब हमेशा ये बात कही जाती है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, पर हमने देखने को मिला है कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद, जब से 21 जून से कल से जब मॉल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं, तो तमाम लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। जो साप्ताहिक बाजार लगते थे वो फिर से खुल गए हैं, तो पर लापरवाही साफ साफ दिख रही है। हालांकि डीएम अभिषेक प्रकाश लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार उन्होंने कल मॉल्स के भी दौरे किए थे, पूरे वहां पे इंतजाम का जायजा भी लिया था, पर जब तक हम खुद से सतर्कता नहीं बरतेंगे, खुद से लापरवाही नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए अभी भी कोरोना का भय बना हुआ है। लगातार सरकार इसके प्रयासरत है, लगातार सरकार कही जा रही है कि लापरवाही ना बरतें, क्योंकि संभावित तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है कि सितंबर से लेके और नवंबर के बीच में तीसरी लहर आ सकती है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो अगर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो अब से बच सकते हैं। इसको लेके लगातार बैठक भी चल रही है और आपको बता दें कि लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से लापरवाही एक बार फिर उजागर होने लग गई है, तो लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से निरंतर कोशिश कर रही है तीसरी लहर को रोकने के लिए, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें टीम 9 की बैठक लगातार, जिसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो लगातार पहली लहर से ही कोरोना की रोकथाम के लिए स्पष्ट कदम उठा रहे हैं, उसी को लेकर 27 जून से बच्चों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की बात सामने आ रही है। निगरानी समिति हालात और व्यवस्था पर नजर बनाए रखेगी। वहीं लखनऊ रिवर फ्रंट से गायब हो गई हाई मास्क, सिंचाई विभाग को पता नहीं कहां गई लाइटें, 12 से ज्यादा हाई मास्क लाइटें हो गई गायब। एलजी और सिंचाई विभाग दोनों झाड़ रहे पल्ला, भुगतान रुका होने के चलते उतारी गई लाइटें, ठेकेदारों ने उतरवारी हाई मास्क लाइट। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां रिवर फ्रंट से हाई मास्क लाइटें गायब हो गई, और इस लाइटों के गायब होने के बाद लगातार प्रशासन 12 से ज्यादा हाई मास्क लाइटें गायब हुई हैं। एलजी और सिंचाई विभाग इस पर पल्ला झाड़ता नजर आया। मैं इस खबर पर रिहान वारसी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिहान, मैं आपसे आना चाहूंगी, हाई मास्क लाइटें लगातार गायब हो रही है, तो इस पर क्या कुछ अभी निकल कर सामने आ रहा है, किस वजह से ये लाइटें गायब हुई हैं? जी कीर्ति, निश्चित तौर पे अखिलेश सरकार में रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ था और इसी के साथ साथ वहां पर लाइटें लगाई गई थी, और सिंचाई विभाग और एलडीए वहां से पल्ला झाड़ रहा है। तकरीबन काफी समय से जो भुगतान है वो रुका होने के कारण ठेकेदारों में आक्रोश है और उन्होंने वो लाइटें उतरवा ली है। हालांकि अभी तक जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं या सिंचाई विभाग के हैं, वो सब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी नाकामी छिपा रहे हैं कि काम होने के बाद जो ठेकेदार है उनका भुगतान नहीं हुआ, इसी कारण लाइटें उतरवा ली गई। कहीं ना कहीं भुगतान ना होने के चलते ये चीज सामने आ रही है, लेकिन ये किस वजह से उतारी गई है, हालांकि ठेकेदार जो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ उनका कहना है, रियाना, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की सिंचाई विभाग से कि ये क्यों लाइटें हटी हैं? किसी साफ तौर पे जब उनसे संपर्क करना चाहा तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, और अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे यही निकल के सामने आ रहा है कि जो एलडीए से या सिंचाई विभाग से जो टेंडर हुआ था, टेंडर के दौरान वहां पर लाइटें लगनी थी, तो लाइटें तो लग गई, कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन काफी समय होने के बाद जब भुगतान नहीं हुआ तो ठेकेदारों में आक्रोश है और उन्होंने लाइटें उतरवा ली। तो कहीं ना कहीं, बहुत शुक्रिया रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 से ज्यादा हाई मास्क लाइटें अब हटा ली गई है रिवर फ्रंट से, जिसके चलते काफी ज्यादा भुगतान जो रुका होने के चलते, इसके पीछे की सबसे अहम बात ये आ रही है कि भुगतान काफी समय से ठेकेदारों
रुका हुआ था जिसके चलते उन्होंने उतरवा ली। वहीं कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटी, बड़ी खबर, 5 सवारियां घायल, बाकी सवारियों को आई मामूली चोट, ड्राइवर कंडक्टर मौके से हुए फरार। उरई से कानपुर आ रही थी बस, संचेंदी थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। तो कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर उजागर हुआ है, बस पलटने से बड़ा हादसा। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस पलट गई है, इसमें सवार जो कई यात्री घायल भी हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो कंडक्टर और ड्राइवर वो मौके से बस और सवारियों को छोड़ के भाग गए। वहीं यूपी में अवैध धर्म परिवर्तन का मामला, बड़ी खबर, एटीएस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने दोनों को 3 जुलाई तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा। एटीएस ने आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेने की दी अर्जी, कस्टडी रिमांड पर आज होगी सुनवाई। तो कस्टडी रिमांड पर लेने की बात सामने आ रही है, यूपी में अवैध धर्म का एक बार फिर सिंडिकेट पकड़ा गया जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस की बड़ी कार्रवाई थी, लगातार ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शिवा जो चुके हैं, शिवा क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, कस्टडी रिमांड की भी बात की जा रही है? देखिए बिल्कुल, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े रैकेट का, एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया था कि 1000 से ज्यादा लोगों का उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण कराया गया है और उनकी शादियां भी कराई गई है। तो उमर गौतम के साथ एक शख्स और था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी और कल उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, लेकिन आज चूंकि रिमांड पुलिस को लेनी है और उनसे पूछताछ करनी है ताकि इन पूरे सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है या जो चलाता है उसको या और अन्य सदस्य उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करें, तो आज स्पेशल एटीएस कोर्ट में आज एटीएस के अफसर अपनी एक रिमांड की अर्जी डालेंगे और उस पर अगर कोर्ट निर्णय लेता है अगर रिमांड का, तो कुछ दिनों की रिमांड एटीएस के अफसरों को मिल सकती है और उसमें जो 2 आरोपी जेल के अंदर बंद है लखनऊ के अंदर, उनकी पूछताछ के बाद तमाम चीजें सामने आएंगी। तो आज अहम दिन है और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास स्पेशल कोर्ट एटीएस की उस पर सुनवाई करेगी और सुनवाई करने के बाद क्या कुछ निर्णय लेती है जरूर देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं कमजोर वर्गों को निशाना एक बार फिर बनाया गया और लगातार इस तरह की खबरें भी उजागर होती रहती है जहां एक विशेष धर्म जाति के जरिए जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा मैं जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को हालांकि धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्टंट बाज का वीडियो, खतरनाक तरीके से सड़क पर बाइक चलाता दिखा युवक, वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने लिया संज्ञान। जानकीपुरम पुलिस ने स्टंट बाज को गाड़ी समेत किया गिरफ्तार। तो लखनऊ से वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टंट बाज सड़क पर स्टंट करता नजर आ रहा है। इस वीडियो का वायरल होने के बाद पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट, वैक्सीनेशन पर हो रही राजनीति का हर्जाना जनता भुगत रही, राजनीति रोक, वैक्सीन जन जन तक पहुंचाई जाए, वैज्ञानिकों को भी समुचित समर्थन व प्रोत्साहित करने की जरूरत, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए मजबूत। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको, मायावती ने ट्वीट किया है एक के बाद एक जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाने की विपक्ष के द्वारा कोशिश की जाती है उसे सरे से नकारा है और साथ ही साथ कहा है कि यहां पर राजनीति ना करते हुए जन जन तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करेगी भाजपा, भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला, विकास का नारा दे मैदान में उतरेगी भाजपा, विपक्ष के मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार का प्लान तैयार। पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी, तो जिस कदर लगातार किसान धरने पर बैठे हुए, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी
जो माफ कीजिएगा पश्चिमी तरफ के जो लोग किसान हैं उनके अंदर खासा नाराजगी उजागर हुई भाजपा को लेकर और तीन काने कानूनों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दूर करने के लिए और कहीं से भी 2022 में इसका कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर भाजपा ने तैयारियां दुरुस्त कर ली है। वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात गोमती नगर नदी में गिरी बोलेरो कार, महानगर पुल के नीचे गोमती किनारे देर रात डूबी कार, कार में सवार थे 8 यात्री। 5 घंटे तक रेस्क्यू में जुटी रही एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू कर 7 लोगों को निकाला गया बाहर। हादसे में एक युवक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए कीर्ति, तकरीबन रात 1:30 बजे का ये घटनाक्रम है। ये हादसा महानगर के निशानगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी के पास हुआ है, जहां पर यात्रियों से भरी 8 यात्रियों से भरी एक जो बोलेरो गाड़ी थी वो गोमती नदी खाई में गिर पड़ी थी। उसके बाद तमाम जो इलाके के लोग थे उनके शोर मचाने पर और डायल 112 पर पुलिस को सूचना देने के बाद जब लोकल पुलिस वहां पर पहुंची थी, क्योंकि गोमती नदी की इतनी गहराई थी और जो कार थी, जो बोलेरो गाड़ी थी, वो गोमती नदी के अंदर समा गई थी, लिहाजा राहत बचाव के पूरे घटनाक्रम के लिए एसडीआरएफ को कॉल किया गया था और तकरीबन 5 घंटे तक सबेरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अच्छी बात ये रही कि जो बोलेरो गाड़ी में सवार 8 लोग थे उनमें से 7 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स जो निखिल गुप्ता बताया जा रहा है, जो पारा के बुद्धेश्वर निवासी है, उसकी पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल उस जो डूबी हुई बोलेरो गाड़ी थी उसको बाहर निकाल लिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है, उन 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको और बहुत ज्यादा ठीक किया जा सके। हादसे के पीछे की वजह अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाई है कि किस वजहों के चलते यह हादसा हुआ? देखिए पुलिस और एसडीआरएफ टीम इस बात का भी पता लगाने में जुटी हुई है कि हादसे की वजह क्या थी, लेकिन चूंकि वो जो रास्ता है वहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि रात का कारण था, ड्राइवर को झपकी आ गई हो, वो नींद में सो गया हो और उसके बाद वो जो गाड़ी थी वो गोमती नदी के किनारे उतर गई हो, तो ये एक आशंका जताई जा रही है, लेकिन शाम तक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो यात्री है जो अस्पताल में भर्ती है उनके बयान के बाद हादसे का मुख्य कारण जो है वो निकल के आएगा, लेकिन अच्छी बात रही कि 5 से 5.5 घंटे जो लगा एसडीआरएफ की टीम को उसमें 7 लोगों को जिंदा बचाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा हादसा लखनऊ में हुआ, जिस वक्त ये बोलेरो गाड़ी पानी में गिरी उसमें सवार थे तमाम लोग, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है, बाकियों को एनडीआरएफ की 5 घंटे की रेस्क्यू के बाद निकाल लिया गया है। वही यूपी को जल्द मिलेंगे नए ऑक्सीजन प्लांट, बड़ी खबर, 31 जुलाई तक 431 नए प्लांट हो जाएंगे स्थापित, 533 में से अब तक 102 प्लांट हो सके हैं क्रियाशील। मुख्य सचिव ने बाकी प्लांट को जल्द शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, तो नए ऑक्सीजन प्लांट जल्द मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश को। 431 नए प्लांट की स्थापित करने के ऊपर मोहर लग गई है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर एक और, चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने की युवक की पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई, सुशांत थाने का है पूरा मामला। तो युवक की पिटाई के बाद 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड करे गए हैं चौकी प्रभारी समेत, चेकिंग के दौरान युवक की पिटाई पुलिसकर्मियों द्वारा की गई थी, जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ, बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद
का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान औरंगाबाद थाना कार्यालय के कोविड हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, बंदीगृह, अभिलेख, शास्त्रागार, साफ सफाई, मैस आदि को चेक किया गया। वहीं एसएसपी ने थाना प्रभारी को अभिलेख पूर्ण करने, हिस्ट्री शीट और अपराधियों की निगरानी रखने व थाना परिसर को स्वच्छ रखने के साथ ही महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम आदि संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अंबेडकर नगर जिले से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का जलस्तर समय से पहले तेजी से बढ़ रहा है। नदी के करीब व कचार के गांव के लोग दहशत के माहौल में हैं। वहीं घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है, साथ ही बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश व नेपाल से पानी छोड़े जाने से अचानक घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर अक्सर जुलाई में बढ़ता था, लेकिन इस बार समय से पहले जो स्थिति है, इससे लगता है कि इस बार घाघरा अपना भयानक रूप दिखाएगी। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, हमारी 9 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, तहसील में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। हम लोग लगातार ग्राम प्रधानों के संपर्क में हैं, जैसी भी स्थिति है उसको तुरंत हम लोग टैकल करने के लिए तैयार हैं। कुछ बढ़ते जल स्तर के लिए जो है उनको लगातार उनसे हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि वो निचले इलाकों से अपने ऊपर इलाके जहां पर हैं वहां पर वो। और अगर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए सफाई रेफर कर दिया। इसी दौरान एसपी कालीचरण की दरिया दिली ने सभी का दिल जीत लिया। मार्ग दुर्घटना में घायल हुए 6 वर्ष की मासूम रिया का दुर्घटना से पैर टूट गया था, अस्पताल में वो रो रही थी। इस पर चौकी इंचार्ज ने उसे गोद में उठाया और गले से लगा लिया। चौकी इंचार्ज की इस दरिया दिली को देखकर वहां पर मौजूद चिकित्सकों ने उससे इस जज्बे की उनकी सराहना की है। ग्राम भागपुर जनकपुर के बीच में नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कई लोग घायल हैं, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो मौके पर मैं पहुंचा, कुछ अधिकारियों को भी अवगत कराया, तो वहां देखा कि 4 लोग बहुत बुरी स्थिति से घायल पड़े हुए हैं, बच्ची इसका पैर टूट गया है, वो भी बहुत वहाँ रोने लग रही है। मैंने अपनी निजी गाड़ी में भी 2 लोगों को बिठाया, 3 लोगों को सरकारी गाड़ी में बिठाया, उसके बाद मैंने जिला अस्पताल औरैया ले गया। वहाँ पर देखा कि कुछ बच्ची के साथ उसके कोई परिजन नहीं थे, वो बहुत भयभीत थी, डरी हुई थी, तो उसको मैंने अपने गोद में लिया। उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो उसे बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने उसको अपने कंधों पे लिया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ी, उसे अपने परिजनों का एहसास मुझसे हुआ। उसके बाद मैंने घायलों को उचित चिकित्सीय सुविधा दिलाई, रेफर कराया बच्ची को भी। मामला जनपद बंदायू की थाना उस है थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है, आम जनता पर अपना पूरा जोर दिखा देती है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन बदायूं में उल्टा हो गया। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की खाट पर बिना मास्क जनता इकट्ठी कर आराम फरमाते वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन उन पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि थाना उस हैत पर तैनात डायल 112 के पुलिसकर्मी ग्राम रिजौला में हर रोज आराम करते देखे जाते हैं और इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद के एका थाना क्षेत्र में एक कलयुगी भाई ने अपने ही सगे भाई की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं आरोपी ने खुद सूचना देकर अन्य लोगों को इसके खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने पैसे के लेन देन में युवक की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। थाना एका में नगला गोकुल गांव में 13/14/2021 की रात में राजकुमार नामक एक 28 वर्षीय युवक की उसके खेत पर डेड बॉडी मिली थी, जिस पर धारदार हथियार के प्रहार थे। पीएम कराया गया, उसमें स्ट्रेंगुलेशन भी आया और गले पर भी उसके धारदार हथियार के निशान थे।
काफ़ी खोजबीन की गई। क्षेत्राधिकारी जसाना के नेतृत्व में सर्विलांस टीम, SOG फील्ड यूनिट सबके सम्मिलित प्रयास से इसका खुलासा हुआ और सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि इसके सगे बड़े भाई ने इसकी। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में रुपयों का तगादा करने पर दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। इस घटना से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटने का वीडियो भी पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग अपने साथियों के साथ युवक को बीच सड़क पर पीट रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मामला शाहजहांपुर के थाना कोतवाली का है, जहां ट्रक मालिक ने खुद ट्रक को कटवा दिया और फिर मुकदमा कर ट्रक को चोरी करने का मुकदमा दर्ज करा है। इस मामले में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरा ट्रक NH-24 बाईपास गरगा पुल के पास के किनारे फार्म हाउस पर खड़ा था और रात के समय में ट्रक चोरी हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि ट्रक स्वामी द्वारा ट्रक का फाइनेंस कराया गया था। फाइनेंस का भुगतान 44 किस्तों में करना था। वहीं कंपनी से बेईमानी के इरादे से किस्तों का भुगतान ना करना पड़े, इसलिए इस घटना को अंजाम दे दिया। सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर दो साइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए Prime TV।